बसमिल्ल रन प्रोफेसर मोहम्मद मुर्तजा शहजाद फ्राम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर इकनॉमिक्स राउंड फोर टेस्ट फोर क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर आई कॉम है फर्स्ट एम सी क्यूज़ की तरफ चलेंगे पेपर इकनॉमिक्स टेस्ट राउंड फोर टेस्ट फाइव क्लास फर्स्ट ईयर आई कॉम फर्स्ट एम सी क्यूज़ हमारा लेवल ऑफ़ नेशनल इनकम इन कम्प्रीहेंसिव वे वाज प्रजेंटेड बाय कौमी आमदनी की मतवाजन सतह का तस्वुर जाम अंदाज में पेश किया ऑप्शन ए है कन्जम्पन इज सेविंग मैथड से ऑप्शन बी है कंजम्पन इज ऐसमेंट मैथड ऑप्शन सी इनकम इज सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट मैथड और ऑप्शन डी है सेविंग इज टू इन्वेस्टमेंट मैथड नेशनल इनकम के चैप्टर में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था कि हमारी नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम के दो मेथड होते हैं एक होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मेथड और दूसरा था हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड में हमने कहा था नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम वहाँ पर डिसाइड होता है जहाँ हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स इक्वल हों तो इस एम uh, सी में हमारी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगी कि जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगी वहां पर नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाएगा और यह बेस्ट मेथड था इंडिविजुअल्स इनकम मींस इंफरादी आमदनी का मतलब है ऑप्शन ए पर्सनल इनकम ऑप्शन बी इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इनकम ऑफ द फैमिली ऑप्शन डी ओल्ड इनकम तो ऑप्शन ए इसकी करेक्ट ऑप्शन है कि इनफरादी आमदनी का मतलब पर्सनल इनकम या शख्सी आमदन होता है ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द इनकम इंतकाली अदायगियाँ अंदर जेल में से किस आमदनी में शामिल होती हैं ऑप्शन ए पर्सनल इनकम ऑप्शन बी जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑप्शन सी नेशनल इनकम ऑप्शन डी है डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम तो इंतकाली अदायगियाँ हमारी नेशनल इनकम में शामिल होती हैं ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी विद क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ जर की कदर का मकदार ज़र के साथ ताल्लुक होता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में से ये एम सी क्यूज लिया है उस थ्योरी में हमने पढ़ा था एज मनी सप्लाई डबल प्राइस विल बी डबल एंड वैल्यू ऑफ मनी बिकम हाफ तो अब मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं कि वो कैसा है ऑप्शन ए है इनडायरेक्ट ऑप्शन बी है डायरेक्ट ऑप्शन सी नन ऑफ दिस ऑप्शन डी है इनवर्स देखिए अभी मैंने कहा मैंने डेफिनेशन पढ़ी एज मनी सप्लाई डबल वैल्यू ऑफ मनी बिकम हाफ तो वैल्यू ऑफ मनी का मनी सप्लाई के साथ इनवर्स रिलेशन है उसकी ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी रिलेशनशिप ऑफ द लेवल ऑफ प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी कीमतों की सतह और मकदार जर का ताल्लुक है अगेन उसी से एम सी क्यूज आगे क्वान्टिटी थ्योरी में से अब हम पूछ रहे हैं मनी सप्लाई का प्राइसेस के साथ क्या रिलेशन है तो डेफिनेशन जरा पढ़ लें एज मनी सप्लाई डबल प्राइसेस विल बी डबल मीन पॉजिटिव रिलेशन इसका आ रहा है ऑप्शन ए पॉजिटिव ऑप्शन बी नेगेटिव ऑप्शन सी इनडायरेक्ट ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज तो हमारी ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है पॉजिटिव रिलेशन है इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय बिलवासा टैक्स कौन अदा करता है ऑप्शन ए शॉपकीपर ऑप्शन बी इंटरप्रन्योर ऑप्शन सी कस्टमर ऑप्शन डी होल सेलर इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं ऐसे टैक्स जिसका बर्डन जिसका फाइनल बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट किया जा सकता है इसके अपोज एक और टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो जिस पर लगेगा जिस पर इम्पोज होता है फाइनल बर्डन भी वही पे करता है इनकम टैक्स इसकी एग्जाम्पल थी कि अगर हमारी इनकम पर टैक्स लगता है तो हम इसको किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या था कि इम्पोज किसी एक शख्स पर होता है लेकिन फाइनल बर्डन उसका किसी दूसरे पर शिफ्ट कर दिया जाता है इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा था सेल्स टैक्स इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम गाड़ी सेल कर रहे हैं गाड़ी की ओरिजिनल कीमत सपोज तीन लाख है उस पर सेल्स टैक्स दो लाख रुपये लगता है तो गाड़ी की कीमत पाँच लाख कर दी जाती है तो सेल्स टैक्स किसने पे किया सेलर ने नहीं किया शॉपकीपर ने नहीं किया बल्कि कस्टमर ने पे किया तो इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय कस्टमर तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड द कैन ऑफ टैक्सेशन फर्स्ट टैक्स आय करने के असूस सबसे पहले किसने बयान किए थे ऑप्शन ए है एडम स्मिथ ऑप्शन बी मार्शल ऑप्शन सी रॉबिन्स ऑप्शन डी है केन्स तो टैक्स के जितने भी रूल्स थे कैनन्स थे वो एडम स्मिथ ही बताए थे ए ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी कम्पेरेटिव कॉस्ट थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय तकबली मसारफ का नजरिया पेश किया ऑप्शन ए मार्शल ने ऑप्शन बी है रिकॉर्डो ऑप्शन सी है शीयर ऑप्शन डी ओहलन देखिए क्लासिकल थ्योरीज ऑफ ट्रेड में दो थ्योरीज थी, थी एक थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी थी और दूसरी थी कम्पेरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो ग्यावन ग्यावन तो के डेविड रिकॉर्डो ने दी थी तो इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगी रिकॉर्डियन थ्योरी है कम्पेरेटिव कॉस्ट थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय कुली बर्तरी का नजरिया पेश किया फिर देखें उसी ट्रेड साइकिल की ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज में से पहली थ्योरी आ गई तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या है मार्शल ऑप्शन बी है एडम स्मिथ ऑप्शन सी एक्शियर ऑप्शन डी है ओहलन तो करेक्ट ऑप्शन बी है एडम स्मिथ क्योंकि कुल्ली बर्तरी का नजरिया एडम स्मिथ ने दिया था और तकबली बर्तरी का नज़रिया डेविड रिकॉर्डो ने दिया था इंटरनेशनल मोनिट्री फंड आई एम एफ इज बैनी जरिए फ़ंड एक इदारा है कौन सा इदारा है जी ऑप्शन ए लोकल ऑप्शन बी रीजनल ऑप्शन सी नेशनल और ऑप्शन डी इंटरनेशनल तो आई एम एफ एक इंटरनेशनल इदारा है जी सारे ममालिक को सपोर्ट करता है रिगार्डिंग इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सब्जेक्टिव पार्ट हमारे इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन पेपर मनी कागजी जर से क्या मुराद है करंसी नोट विच आर प्रिंटेड ऑन पेपर आर इश्यूड ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो कागज़े कागज़ के बने हुए नोट जो कि हुकूमत की, की जमानत से जारी होते हैं अगर हुकूमत इनके ज़मानत ना दे तो ये नोट नहीं कहलाएंगे इस कार्ड पेपर मनी इन्हें कागजी ज़र कहा जाता है डिफाइन डिफ्लेशन तफरीत ज़र से क्या मुराद मुराद है इन्फ्लेशन के इन्वर्स एक कंडीशन ऐसी होती है जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं कंटिन्यूस डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसज इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन अशिया व खिदमात की अमूमी कीमतों में मुसलसल कमी डिफ्लेशन कम हो रही है इन्फ्लेशन में बढ़ रही होती हैं तो जनरल डिक्रीज या मुसलसल कमी यह तफरीत ज़र कहलाता है थर्ड क्वेश्चन हमारा डिफाइन नियर मनी करीबी जर से क्या मुराद है अ मनी विच इज़ नॉट सर्कुलेट इन द मार्केट लाइक लीगल मनी ये ऐसा ज़र होता है जो लीगल मनी की तरह तो मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रहा होता बट कैन बी कन्वर्ट इंटू लीगल मनी बाई लिटल एफर्ट लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके कोशिश करके हम इसको लीगल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे हम नियर मनी कहा कहते हैं ऐसा ज़र जो कानून कानूनी ज़र की तरह मंडी में गर्दिश तो नहीं करता लेकिन थोड़ी सी कोशिश से कानूनी ज़र में तब्दील किया जा सकता है इसे करीबी ज़र कहते हैं डिफाइन रिग्रेसिव टैक्स तंजीली टैक्स से क्या मुराद है इट इज टाइप ऑफ टैक्स इन विच विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पर्सन टैक्स रेट विल डिक्रीज एंड विद द डिक्रीज इन इनकम टैक्स इनकम टैक्स रेट विल इंक्रीज देखें ऑपोजिट में इसमें रिलेशनशिप आ रहा है इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम हो जाएगा इनकम कम होगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा ऐसा टैक्स हमारा रिग्रेसिव टैक्स कहलाता है इसके ऑपोजिट एक था प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ जाएगा इनकम कम होगी तो टैक्स रेट कम हो जाएगा ये हमारा रिग्रेसिव टैक्स है तंजीली टैक्स इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम होगा इनकम कम होगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा डिफाइंड टोकन मनी अलामती जर से क्या मुराद है इट इज द टाइप ऑफ मनी इन विच रियल वैल्यू ऑफ द मेटल इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द करेंसी ज़र की ऐसी किस्म जिसमें धात की हकीीकी मालियत कम जबकि सिक्के पर लिखी हुई मालियत ज़्यादा हो अमती ज़र कहलाता है, है। ये हमारे इर्दगि टोकन मनी ही चल रहा है कि अगर आप पाँच रुपये के सिक्के के ऊपर जो लिखा हुआ है पाँच रुपये अगर आप इसको तोड़ फोड़ कर इसका लोहा बनाकर बेचना चाहें तो वो पाँच रुपये का नहीं बिकेगा तो मतलब ये टोकन मनी एक होता है स्टैंडर्ड मनी मैारी ज़र ऐसी मनी है जिसकी फेस वैल्यू और उसकी रियल वैल्यू एक जैसी होगी जितनी धात है उसके अंदर उतनी ही उसके ऊपर वैल्यू लिखी होगी सोने चांदी के सिक्के वगैरह जो थे वो रियल मनी हुआ करते थे क्योंकि उसके अंदर जितना सोना होता था उतनी ही उसकी वैल्यू रखी जाती थी तो टोकन मनी क्या होता है फेक मनी भी इसे कहा जाता है जिसके ऊपर वैल्यू तो कुछ और लिखी होती है लेकिन उसके अंदर मटेरियल या मेटल जो है वो कुछ और होता है उम्मीद है आपको ये पेपर भी अच्छी तरह समझ आ चुका होगा सारे एम सी क्यू शॉर्ट क्वेश्चन अगर किसी किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन में या किसी एम सी में कोई प्रॉब्लम है तो अपने इंचार्जेस से पूछ सकते हैं आप मुझसे भी पूछ सकते हैं बेस्ट ऑफ लक अल्लाह